हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहां पे हम बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली के नियोजन पत्र के बारे में, जो कि लगभग जो है 50,000 अभ्यर्थियों को मिलना है, यानी कि 38,000 जो पहले से काउंसिल्ड और सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनको, और उसके बाद लगभग जो है 12,500 अभ्यर्थी हैं जिनकी तृतीय चरण में जो काउंसलिंग होगी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको नियोजन पत्र दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे नियोजन पत्र से जो है मिल जाएगा, उसके बाद क्या करना होगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। यानी कि नियोजन पत्र के बाद आपको जो है दो डॉक्यूमेंट्स की और जरूरत पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लास्ट में देने ही पड़ेंगे, नियोजन पत्र आपको जब निर्गत हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करना हो सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनमें जो है सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, जो कि आपको जो है एसपी ऑफिस से या जिला मुख्यालय जो एसपी ऑफिस होता है वहां से निर्गत किया जाता है। और अभी आज के न्यूज़पेपर में भी ये खबर छपी है कि जो चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस थाने से बनता है या एसपी ऑफिस से बनता है उसको ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है दिक्कत ना हो। तो आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जो है बनवाना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप एक काम करिए, आप एसपी ऑफिस जाकर के, अपने जिला मुख्यालय के एसपी ऑफिस जाकर के वहां से करेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्म मिलता है, या फिर आपको जो है बुक्स की दुकान से जो है जहाँ पे नौकरी के फॉर्म बिकते हैं वहां से भी ये फॉर्म आपको मिल सकता है। उस फॉर्म को वहां से लेकर के आपको फिलअप करके उसी काउंटर पर जो है जमा करना है जहाँ पर आपने फॉर्म लिया, यानी एसपी ऑफिस का जो एक मुख्यालय जो ऑफिस होता है वहां पे काउंटर होता है इसके लिए, वहां से आप फॉर्म जो है कलेक्ट कर सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए और फिर दोबारा वहां पे अप्लाई जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो वेरिफिकेशन करते हैं, थाने पे पहुंचाते हैं, थाने से वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है जो कि नियोजन पत्र के बाद आप जो है आपसे जो है नियोजन का ही मांगेगी। तो एक डॉक्यूमेंट तो ये आपको जरूरी है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है जरूरी है वो है आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आपके जिला मुख्यालय के जो सदर हॉस्पिटल होता है वहां से बनता है, और इसके लिए भी आपको जो है संपर्क करना पड़ेगा अपने सदर हॉस्पिटल में। सदर हॉस्पिटल में जाकर के आप वहां पर जो है कहिएगा कि हमको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है इस नौकरी के लिए, ठीक है, बिहार शिक्षक बहाली के लिए। तो वहां से भी आपको जो है फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म वगैरह को भर के आप वहां सबमिट करेंगे, आपकी मेडिकल जाँच वगैरह होगी। उसके बाद जो वहाँ के जो सीएमओ होते हैं, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके हस्ताक्षर और मुहर लगा करके आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी आपका नियोजन पत्र के बाद नियोजन इकाई में जमा किया जाएगा। और ये पहले भी आदेश पारित हुआ था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है नौकरी के बाद, यानी ज्वाइनिंग के बाद आपको इसको दिखाना ही पड़ेगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स जो है आप जरूर बनवा लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप नहीं जमा करते हैं तो फिर आपके नियोजन पत्र मिलने में देरी हो सकती है या आपका हो सकता है नियोजन पत्र जो है रद्द कर दिया जाए। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बनेगा जिला मुख्यालय सदर हॉस्पिटल से, और जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आपका बनेगा एसपी ऑफिस जिला मुख्यालय से। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखिए। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।